राजेंद्र ग्रुप प्रेजेंट्स कि रेशनलाइजेशन का पहचानने का इसका तरीका क्या है ना, कि जब भी किसी फंक्शन का नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट, दोनों में से कोई पार्ट या दोनों पार्ट, ठीक है, अगर पावर में फ्रैक्शनल रहे, फ्रैक्शनल कहे तो 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से डॉट डॉट रहे, तो समझ जाइए कि वो क्या है, रेशनलाइजेशन का पार्ट का है, रेशनलाइजेशन का मेथड का है, ठीक है। तो पहले जरा इसका हम टर्म बताते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन कैसा इसका रहेगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन बनाइएगा, तो क्वेश्चन अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो किसी प्रकार से बुक अवेलेबल कर लीजिए, या तो फिर अगर मेरा वाला बुक है, ठीक है, तो उससे भी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बनाइएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें क्वेश्चन दिया हुआ, प्रत्येक थ्योरी का एक लेसन बना दिया है, जैसे इस थ्योरी का एक लेसन बनाया हुआ होगा, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया हो जाएगा मैथ। कैसे पता करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म का है, तो h का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, h के स्थान पर 0 पुट करते हैं, तो √x - √x क्या जाएगा 0, और नीचे भी 0, यानी समझ रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म का है, क्लियर। अब ये 0/0 फॉर्म का तो क्वेश्चन पता चल गया, लेकिन इसमें कैसे पता करें कि रेशनलाइजेशन हुआ, कैसे पता करें कि रेशनलाइजेशन हुआ, तो नॉमिनेटर के या तो डिनोमिनेटर के पावर अगर फ्रैक्शनल रहे तो हमेशा रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो इसका नॉमिनेटर पावर फ्रैक्शनल है, इसका रेशनलाइज करेंगे, क्लियर। तो करते हैं, देखिए क्या करना है, कि माइनस था तो प्लस रेशनलाइज कर दिया, अगर नीचे में रहता तो नीचे वाला को रेशनलाइज करते, क्लियर, अगर दोनों में रहता तो दोनों को रेशनलाइज करते, क्लियर। कैसे करते हैं, देखिए सामने देख ही रहे हैं, अब इसका ए माइनस बी टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच रूट एक्स माइनस एच प्लस रूट एक्स। अब इस फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, जो बचा हुआ पार्ट है एक्स एक्स कैसे हो गया माइनस एच बटा, और यहाँ एच से एच कैसे होगा, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, लिमिट एच टाइम्स टू जीरो माइनस इतना और रूट एक्स माइनस एच और रूट एक्स। आप तो देखेंगे ये फंक्शन छोटा हो चुका है, तो अब एच का वैल्यू डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, एच को जीरो पुट करते हैं, ठीक है, देखिएगा जीरो पुट करने से क्या जाएगा माइनस रूट एक्स और प्लस रूट एक्स, जिसको बोल सकते हैं माइनस वन बाई टू रूट एक्स, ये रहा होगा कंप्लीट आंसर, क्या कोई दिक्कत, सो देख लिए, ध्यान से देख लिए मैं कैसे सॉल्यूशन किया है, 0/0 फॉर्म का है। अब इसका रेशनलाइज कीजिए, करना क्या है, ऊपर वाला का रेशनलाइज कीजिए और नीचे वाला का रेशनलाइज करिए, दोनों कर दीजिए वाला, यहां पे मैंने क्या किया, ए माइनस था तो प्लस से रेशनलाइज कर दिया है, और फिर नीचे वाला था अर्थात डिनोमिनेटर का माइनस है तो इसका भी प्लस से कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जरा देखिए थोड़ा ध्यान से इसका प्रक्रिया क्या है, सभी को समझ आ गया, मैंने क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर ऑन बी स्क्वायर, ये पार्ट अकेले रह गया ऐसा ही, फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लाइन फिक्स रह गया है, क्लियर। अब इसके बाद जब देखिएगा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हुआ है सामने, और बाकी जो बचा मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पे p से p कैंसिल होगा तो x x क्या हो जाएगा 2x, और ये लाइन फिक्स रह जाएगा क्यू प्लस एक्स और क्यू माइनस एक्स, क्लियर। इसी प्रकार से क्यू क्यू कैंसिल होगा, यहाँ पे 2x और बचा कितना p प्लस एक्स और p माइनस एक्स, यहां तक तो कोई डॉट नहीं है, अब यहाँ पे 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, अब x का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो 0 पुट करेंगे तो कितना हुआ रूट क्यू, यहाँ भी 0 पुट करेंगे कितना हुआ रूट क्यू, 0 पुट करेंगे कितना हुआ रूट पी, और यहाँ भी पी, तो 2 रूट क्यू और 2 रूट पी, तो दोनों कैंसिल तो बचेंगे ना क्यू बाई पी, ये रहा कंप्लीट आंसर। जो देख लिए बाबू सभी विद्यार्थी, जो मैंने ये कंप्लीट आंसर निकाला है ये सभी क्लियर, क्वेश्चन बनाना है ये जो है ना रेशनलाइजेशन मेथड पर ये क्वेश्चन बनाना है, जो बनेगा बनाइएगा, जो नहीं बनेगा फिर बताया जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा बनाइएगा ज्यादा, और ऐसा इजी क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है, तो बनाना है टोटल क्वेश्चन को। एक बार पुनः
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम सभी विद्यार्थी क्लियर कर चुके हैं, एलसीएम कर लिया। ये अब क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड का है, ठीक है, रिफ्रेशन का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा कि फैक्टराइजेशन का है कि रेशनलाइजेशन का है, क्योंकि रेशनलाइजेशन में पावर में क्या रहता है, रूट रहता है, ठीक है, या वन बाई टू एंड थ्री, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन में है तो जीरो जीरो सॉल्व करें। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्यू से मल्टीप्लाई और पी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो सामने दिख रहा है ये वाला जो भी ये दोनों ऐड कर दिया, देख रहे ना, ये दोनों को ऐड किया गया है, इतना गया ये वाला जो भी। अब यहाँ पे जो है ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल होगा जो बचा हुआ पार्ट लिख दिया मैंने, अब दोनों में से माइनस एक्स कॉमन करेंगे, माइनस एक्स कॉमन किया तो ऊपर से कैंसिल हो गया, अब बचा माइनस एक्स नीचे, देखिएगा तो माइनस एक्स बच गया, तो इसमें क्या करेंगे एक्स का वैल्यू पी बाई क्यू पुट करेंगे, पी बाई क्यू पुट कर दिया, क्यू चलिए ऊपर, ये रहा कंप्लीट आंसर, क्लियर, यही तो है बाबा, बहुत इजी तो है, सभी को ये कंडीशन क्लियर समझ आ गया ना। अंडर फॉर्मा का रूल क्या कह रहा है, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू a इनटू a के पावर n माइनस 1, यानी ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला तभी हम लगाएंगे जब x जो है ना, जो ऊपर वाला x है वही नीचे होना चाहिए, और यहाँ की जो नंबर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, और यहाँ माइनस ही होना चाहिए, प्लस नहीं, हमेशा यहाँ माइनस होना चाहिए, और पावर दोनों सेम होना चाहिए, तब ये बेहतरीन फॉर्मूला यूज हुआ a इंटू a के पावर n माइनस 1, क्लियर, तब इस फॉर्मूला को सेव करेंगे, क्लियर। तो जरा यहाँ पे जो सामने है लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x है तो यहाँ भी x है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस ही होना चाहिए, प्लस यहाँ तक प्लस नहीं, प्लस रहना ही नहीं चाहिए, ओनली माइनस के लिए फॉर्मूला है, और यहाँ पे 1 है जहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ तो 5 है ही नहीं बालक, तो 5 है 1 के पावर, तो 5 लिखने के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, 1 के पावर 5। आप पहले देखिएगा ये तो फॉर्मूला सेटिंग कर रहा है, लेकिन हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला का तो है, लेकिन 0/0 फॉर्म का है कि नहीं। तो x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या देगा 0, यहाँ भी 0 को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा 0, यानी हो गया 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म का पहले दो को बता चुके हैं, वो ये 3 हो गया, लेकिन अब सवाल है कि 0/0 फॉर्म का पहला जो बताया था फैक्टराइजेशन उससे ही बन सकता है, फैक्टराइजेशन से बन सकता है, या दूसरा मैंने बताया था रेशनलाइजेशन उससे बन सकता है, उससे भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्रेश अब दिख रहा है। तो तीनों को मैंने पहचानने का और बनाने का तरीका क्लियर कर दिया है, देखिएगा यहां पे देखिए एक्स है सेम है, वन है, फाइव सेम है और माइनस है, तो लिखा हुआ एन इंटू, तो एन के स्थान पर यहां क्या है फाइव है, एन इंटू, क्लियर हो गया, और ए ए मैंने कितना हो गया वन हो गया, ए मेरा है वन, तो यहाँ इंटू वन, और एन माइनस वन यानी फाइव माइनस वन, अर्थात इसका सोल्यूशन आएगा ओनली फाइव, कंप्लीट आंसर, इसका आंसर आएगा ओनली फाइव आएगा, फिक्स है। यहाँ पे मैंने 16 को 2 के पावर 4 ले दिया, बाकी सब फिक्स रह दिया, आंसर भी बोल रहा है 32 होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेटिंग कीजिए, मैंने बताया था क्या अभी कि एक्स एक्स है, दो दो है, और यहाँ पे पावर सेम है और माइनस ही है, तो फॉर्मूला क्या हुआ एन इंटू, तो एन के स्थान पर यहाँ कितना है 4, तो यहाँ हो गया 4 इंटू ए के पावर, तो ए मेरा कितना हो गया 2 और एन माइनस 1 है, यानी क्या हुआ 4 माइनस 1, अर्थात सोल्व करके कितना आ जाएगा बालक, यहाँ पे आ गया 3 यानी 8, 8 में 4 से करेंगे कितना जाएगा 32, ये रहा वो परफेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया, यस या नो? और आज जो मैंने बताया है रेशनलाइजेशन का मेथड बताए हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए हैं, तो इसी तरह से और भी अगर डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा लाइव क्लासेस कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो लाइव क्लासेस कैसे करेंगे इसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और उस डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिया हुआ उससे बात करिए और बात करके लाइव क्लास कीजिए और अनेक कंपटीशन का पूर्णतः तैयारी कीजिए, पूरी तरीके से बात कीजिए।
ठीक है। तो फिर अगले क्लास में नए थ्योरी के साथ पुनः आएंगे, और जब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।